इफेक्ट। चीन को बाय बोलने वाली 1000 कंपनियां, 300 भारत में आने को तैयार। कोरोना संकट के बीच भारत में 1000 विदेशी कंपनियों की एंट्री हो सकती है। ये कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने का विचार कर रही हैं। चीन को छोड़ सकती है 1000 विदेशी कंपनियां, 300 विदेशी कंपनियां भारत में आने को सक्रिय। वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी रेंगती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस माहौल में भी भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल चीन में सक्रिय करीब 1000 कंपनियां अब भारत में मौके की तलाश कर रही हैं। बिजनेस टुडे की एक खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण चीन में विदेशी कंपनियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस माहौल में लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही है। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को पूरी तरह से मूड बना चुकी है। इस संबंध में सरकार के अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। चीन के लिए बड़ा झटका। बिजनेस टुडे से बातचीत में केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रही है। इन कंपनियों में से हमने 300 कंपनियों को लक्षित किया है। केंद्र सरकार के अधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के नियंत्रण में आने के बाद स्थिति हमारे लिए बेहतर होगी और भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट में राहत दी है। कंपनियों को अब 18.5% की बजाय 15% की दर से मैट देना होता है। दरअसल मैट उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा तो कमाती है, लेकिन रियायतों की वजह से इन पर टैक्स की देनदारी कम होती है।